पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव की अदालत ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने हत्या का प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया, बाकी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में केंद्रीय मंत्री के बेटे और भतीजे मोनू पटेल समेत 20 आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मनोज शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी? अभी जो प्रबल पटेल है जिनको न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया, क्योंकि बाकी 6 आरोपियों को अदालत ने कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजें, लेकिन प्रबल पटेल को मुख्य आरोपी मानते हुए पुलिस ने कहा कि हमें पूछताछ करनी है, तो पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और ये सारा मामला जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसमें एक पुलिस का होमगार्ड का जवान भी है, तो उसका इलाज चल रहा है और पुलिस पूछताछ के लिए प्रबल पटेल को एक दिन के लिए पूछताछ के लिए रख रही है। और बाकी अभी भी इस सारे मामले में 13 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मारपीट का मामला था जिसमें अपहरण और साथ ही साथ हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई गई हैं। शुक्रिया मनोज। उधर राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के लिए नए स्पीकर चुने गए हैं। लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने सर्वसम्मति से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ कांग्रेस ने भी ओम बिरला के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से ओम बिरला के नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री ओम बिरला को इस सभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है। चूंकि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, अतः इसके बाद प्रस्तुत प्रस्ताव निष्प्रभावी हो गए हैं। इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का इस सदन में पुराने सभी सदस्य आपसे भली भांति परिचित हैं। विधायक के रूप में भी राजस्थान में आपने जो सक्रिय भूमिका अदा की है, उससे भी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचित हैं। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उनको स्वीकृति दे रहे हैं, छात्र गतिविधि का नेतृत्व करते हुए जीवन का सर्वाधिक उत्तम समय किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी छात्र आंदोलन से निकल करके युवा मोर्चा के संगठन में करीब 15 साल तक जिले में, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। मुझे सालों तक संगठन का कार्य करने का अवसर मिला, उसके कारण मेरे एक साथी के रूप में भी हम दोनों को साथ में काम करने का अवसर मिला। और इस मौके पर रामदास आठवले ने ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद उन्हें सदन में बधाई दी, लेकिन अंदाज उनका कुछ अलग था, जिसकी वजह से सदन में बैठे पीएम मोदी समेत सभी सांसद हंस पड़े। एक देश का नाम है रोम, एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। तो
नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप अब रहो खुशहाल, हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल, हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान, आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान, भारत की हमें बढ़ानी है शान, भारत की हमें बढ़ानी है शान, लोकसभा चलाने के लिए आप जैसा परफेक्ट है मैं, तो मेरी पार्टी मुझे आपने मौका तो दे दिया है, मैं लोकसभा में खड़ा नहीं था इसीलिए मैं इधर नहीं वो खड़ा होता था तो मैं इधर मेंबर बनता ही था, लेकिन मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, मैं मुझे मंत्रालय दे दिया है तो मेरी पार्टी भी मतलब आपके साथ है, मतलब अपने को देश को चलाना है, राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है, आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी तब मैं आपके साथ था, पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं, मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है, और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर, मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है, और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटा दल हो कोई भी हो हम सबका तो सुनेंगे, सबको न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेंगे, इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी और बाद में 5 साल चलते रहेगी, मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे, इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा, तो फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हाउस को अच्छी तरह चलाए और कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, जय भीम जय भारत।